बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की ऑक्सफोर्ड की बुक पर है और यह है जी प्रोग्रेसिव इंग्लिश। और मैं आज आपके साथ यूनिट नंबर 1 एलिफेंट्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5 की वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हमें ये कहा गया है कि पैराग्राफ 3 में ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इन वर्ड्स के आपने लिटरली मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दोनों ही आपने बताने हैं इन सारे वर्ड्स के, जितने ये वर्ड्स हैं और जहाँ यूज़ हुए हैं ना, यानी जैसे पैराग्राफ नंबर 3 में यूज़ हुए हैं। तो पैराग्राफ 3 में ज़्यादातर ये बताया गया है कि किस तरह से एलिफेंट को जो है रस्सी से बांध दिया गया, किस तरह से उसको टाइट करके इसको बांधा इसलिए गया ताकि वो, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान था इस वजह से। तो पैराग्राफ 3 से रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स हैं, चलिए इनके लिटरली मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दोनों ही हम देख लेते हैं कि दोनों क्या क्या मीनिंग्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है थर्टर, tie an animals with rope or chain so as to restrict this movement. और इसका contextual meaning क्या है? Tied the elephant between two impulsive and immovable trees, not to let her. अगला है keeping her bound, to keep her constant. और इसका वो कौन सा meaning? दूसरा meaning क्या है इसका? Not to let her go loose. अगला है फीथर, फैथर या फीदर, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। चेन यूज टू लॉक प्रिजनर्स और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? यूजल लाइट वेट चेन्स। शेकल्ड, अ पेयर ऑफ फेथर्ड यूज टू बाउंड हैंड्स एंड फीट, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? लॉक्ड बाउंड। लास्ट वर्ड है हमारा टोइंग चेन, अ रोप और चेन यूज फॉर टोइंग व्हीकल्स, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है चेन्स फॉर हार्नेसिंग लॉक्स। अब हम पेज नंबर 6 पर चलते हैं। पेज नंबर 6 पर हमारे पास सबसे पहले मैच द कॉलम है, जिसमें आपके पास वर्ड्स गिवन है, उनकी मीनिंग भी दूसरी तरफ गिवन है, आपने मैच करना है। जैसे स्पेयर, स्पेयर का मीनिंग है स्केंटी, माउंट राइडिंग एलिफेंट, अपहिल अपहेवल, कम्युनिकेशन, फॉरेज सर्च फॉर फूड, सर्कुलेंट जूसी, लुकेट्स फाइंड्स, मोमेंटम फोर्स, हॉर्स हकी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें हमारे पास ये देखिए कुछ सेंटेंसेस गिवन है। इन सेंटेंसेस के मुताबिक आपने जो है यहाँ जैसे पैराग्राफ नंबर 2 लिखा हुआ है, ये सेंटेंस पैराग्राफ नंबर 2 से आया हुआ है। तो पैराग्राफ 2 में इस जगह कौन सा वर्ड यूज़ हुआ हुआ है वो आपने पुट करना है। यहाँ मैंने पुट किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। एज द न्यूज़ एजेंट्स वॉज द ओनली वन इन द विसिनिटी, लव्स है विसिनिटी, the shopkeepers made a good living. Number 2, from the viewpoint far above the town we could hear the pealing of the crunch bell, jo church bell hai na uski pealing ki awaaz aa rahi thi. Before the earthquake people felt the tremor and ran out in terror from their houses. अब पैराग्राफ डी पार्ट क्या है इसमें? द डिमोलिशन वर्क्स स्टार्टेड दिस वीक इन प्रिपरेशन फॉर बिल्डिंग द न्यू रोड्स। अगला है द ऑपरेशन ऑन द लिटिल गर्ल वॉज सक्सेसफुल बट द डॉक्टर वॉर्न्ड हर पेरेंट्स दैट शी कुड बी वल्नरेबल इन टू इन्फेक्शन फॉर मैनी मंथ्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ नंबर 8 में वर्ड यूज हुआ है बोल्ड। तो बोल्ड से रिलेटेड आपने डिफरेंट फ्रेजेस लिखने और फिर उनके मीनिंग बताने हैं। अब यहाँ पहला वर्ड मिसाल के तौर पे दिया हुआ है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। आगे देखिए ये बोल्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे फ्रेजेस लिखे हुए हैं और साथ उनके मीनिंग्स भी, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। ये देखिए जी, ये सारे फ्रेजेस हैं और साथ उनके मीनिंग है जो कि बोल्ड से वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो कि पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर थी, जो कि यूनिट नंबर 1 एलिफेंट की एक्सरसाइज का एक पार्ट है।
मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।